म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का नाम है अंकल आंटी की कहानी। वास्तव में ये एक लोक कथा का नया स्वरूप है। तो शुरू करते हैं कहानी। लाजपत नगर के व्यस्त बाजार में एक अंकल और आंटी खाने का ठेला लगाते थे। दोनों सुबह 10 बजे से अपना ठेला लगाते, 50 रुपए में गरम गरम रोटियां, चावल, छोले खिलाते। दिन भर वे इसी काम में व्यस्त रहते। खाने वाले उनसे खुश रहते। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग उनके यहाँ खाने के लिए चले आते थे। बुढ़ापे में वे साधारण जीवन किंतु ठीक ठाक जीवन जी रहे थे। एक दिन उनके यहाँ एक अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खाना खाने आया। अजनबी व्यक्ति वास्तव में एक बड़ा यूट्यूबर था। उसके लाखों फॉलोवर थे। वह उनके खाने की तारीफ सुनकर यहाँ चला आया था। उसने अंकल से बात शुरू की। उसने पूछा कि क्या आप दोनों अपने जीवन में खुश हैं? अंकल आंटी ने कहा, जितनी मेहनत इस उम्र में हम कर पाते हैं, उसके हिसाब से हमें आमदनी होती है। इस काम और अपने जीवन दोनों से ही हम खुश हैं। यूट्यूबर उन दोनों की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने खाना बनाते हुए, खिलाते हुए, बात करते हुए अलग अलग तरह से दोनों की वीडियो बनाई। अगले दिन उसने अपने सोशल मीडिया, अपने यूट्यूब चैनल और रील्स पर अंकल आंटी के खाने के बारे में तरह तरह की अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अंकल आंटी का खाना बेकार है, साफ सफाई नहीं रहती, चावल राजमा की प्लेट जो उसने खाई थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बात बहुत तेजी से फैली, घर घर, हर एक मोबाइल की स्क्रीन पर। इस खबर से लोग अब अंकल आंटी के ठेले पर खाने से बचने लगे। जब ग्राहक दुकान से बचने लगे तो आमदनी भी कम हो गई। आंटी चिंतित थी, लेकिन अंकल ने उसे आश्वस्त किया कि खुद पर विश्वास रखो, खराब समय है, बीत जाएगा। अंकल आंटी खाना बनाने के काम से अलग नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खाने की जगह नाश्ते का ठेला लगाना शुरू कर दिया, सैंडविच और स्नैक्स। दिन में अब वे लाजपत नगर मार्केट में नहीं खड़े होते, बल्कि सुबह सुबह ही घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर बेचने लगे। धीरे धीरे उनके स्नैक्स और सैंडविच के ग्राहक नियमित होने लगे। आमदनी ठीक ठाक होने लगी। यूट्यूबर इस बार दाढ़ी मूछ में आया। उसने फिर से उनकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई कि स्नैक्स में खराब सब्जियां वे परोसते हैं। अफवाह फैलते ही एक सुबह कुछ लोग आए, उनके ठेले में तोड़फोड़ की। उस दिन अंकल बहुत दुखी हुए। आंटी ने उन्हें धीरज बंधाया, मन छोटा नहीं कीजिए, हम कुछ और काम कर लेंगे। अंकल आंटी ने बची हुई पूंजी से ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। अंकल आंटी ऐप सामान पास के घरों में 20 मिनट में घर घर पहुंचने लगा। एक दो लड़के उनकी मदद के लिए थे। कुछ महीनों में ही यह काम भी ठीक से चलने लगा, लेकिन यूट्यूबर से यह भी नहीं देखा गया। उसने उनके ऐप को हैक कर लिया, जिससे उनकी ऐप क्रैश हो गई। अचानक से काम बंद हो गया। अंकल आंटी इन परेशानियों के बावजूद घबराए नहीं, वे अगले काम की योजना बनाने लगे। एक दिन एक समाचार चैनल ने अंकल आंटी की कहानी को दिखाया, जिसमें उनकी मेहनत, लगन और व्यवहार को बहुत अच्छे से दिखाया गया। उस बड़े यूट्यूबर ने उसे बनाया था। देखते देखते उनकी कहानी पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वास्तव में अंकल आंटी उसकी परीक्षा पर खरे उतरे।
हर कठिन समय में वे खुश थे, एक दूसरे के साथ थे और नए काम की तैयारी में जुटे थे। यूट्यूबर ने इन महीनों में अंकल आंटी के कई वीडियो बनाए थे, जिससे उसके चैनल को खूब आमदनी हुई थी। उसने सारी कमाई अंकल आंटी को देते हुए कहा, अब आपके तीन बड़े बड़े काम हैं, आप तीनों चलाइए, ये पैसे आपके ही हैं, मैं आपके काम को दिल्ली के हर घर तक ले जाऊंगा। अंकल आंटी ने कहा, तुमने इतना सोचा, ये काफी है, हमने आज तक खुद से ही सारे काम किए हैं, आगे भी कर लेंगे, ये पैसे तुम जरूरतमंदों को दे देना। कहते हुए दोनों ने हाथ जोड़ लिए। यूट्यूबर मन महसूस कर रह गया। तो कैसी थी कहानी बच्चों, अच्छी लगी? चलिए मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी, एन इनिशिएटिव बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली।